आपको कुछ एनोटेशन, एक एनोटेशन लगानी है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले, क्योंकि एनोटेशन आप यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, एमवीसी एनोटेशन ड्रिवन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एनेबल नहीं होती, तो इसको एनेबल करना पड़ता है। तो एक तो आपको ये लगाना है एमवीसी एनोटेशन ड्रिवन। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लोगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और कॉम्पोनेंट स्कैन। कॉम्पोनेंट स्कैन में आपको बेस पैकेज देना होता है। बेस पैकेज क्या होता है, जहां पर भी आपकी सोर्स फाइल्स है, जहां पे आपकी क्या है, सोर्स फाइल्स है। तो सोर्स फाइल्स कहां पर है मेरी, कॉम डॉट फाइल्स में। तो आपको अपने बेस पैकेज का नाम देना होता है, ठीक है, जहां से सोर्स फाइल्स देखेगा, मतलब कंट्रोलर को देखेगा। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो पहले हमने एनोटेशन एनेबल कर दी, दूसरा हमने बेस पैकेज बता दिया कि भाई कंट्रोलर कहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, अब हमें व्यू रिजॉल्वर चाहिए। तो व्यू रिजॉल्वर के लिए आप यहाँ पर क्या बनाओगे, एक बीन क्रिएट करोगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ क्लास। तो जो भी क्लास होगी, चाहे वो इनबिल्ट हो चाहे आउट, हाँ आपने बनाई बीन तो बनेगा। तो बीन क्रिएट कर देंगे और बीन के अंदर आईडी बना दो। तो बीन का आईडी आप अपने आप से भी ले सकते हैं, तो मैं ले रही हूँ व्यू रिजॉल्वर, ठीक है। एंड इसके बाद जब आपका बीन आईडी क्रिएट हो जाए, तो फिर आप क्लास ले लो। क्लास लेने के बाद आपको क्लास में क्या करना है, यहाँ पर आके आपको एक क्लास चाहिए इनबिल्ट वाली। तो इसका नाम देखिए क्या है, नाम ना थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से देख लेना, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। नाम क्या है, इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर। और ये फाइल जो है वो आपको कहाँ मिलनी चाहिए, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट वेब डॉट सर्वलेट डॉट व्यू में मिलनी चाहिए। तो पाथ मैच कर लेना बस, वो बहुत जरूरी है। तो ये वाली जो फाइल है, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं और इसका भी क्वालिफाइड नेम बता देते हैं। और फिर स्प्रिंग सर्वलेट में आ जाओ और यहाँ पे आके क्लास में इसको डिफाइन कर दो। तो ये आपकी क्या बन गई, बीन क्रिएट हो गई। अब जब बीन क्रिएट हो जाएगी, तो इसमें हमें दो चीजों की प्रॉपर्टी सेट करनी है, एक प्रीफिक्स और एक सुफिक्स। प्रीफिक्स और सुफिक्स किसके लिए आएगा, हमारे उन पेजेस के लिए आएगा जो हमें व्यू में भेजने। तो इसीलिए मैंने फोल्डर अलग से बनवाया था आप लोगों को, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आके आपने क्या दे दिया, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, देखो अब हमारे पास जो व्यू है वो कहाँ पे बना हुआ है, स्लैश वेब, ये कैप्स में है, तो वेब INF, ठीक है, और स्लैश वेब INF के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये तो मैं आ रही है नहीं, मैंने एक्चुअली ना व्यू बनाना वहां था, बंद वहां गया, तो इसको हम ड्रैग करके ना वेब INF में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी फाइलें ना एक ही जगह होनी चाहिए वेब INF के अंदर। तो वेब INF में व्यू बनेगा, तो वेब INF करके स्लैश लगा दो, और स्लैश करके हमने नाम क्या रखा था, व्यू, ये दे देंगे और व्यू के बाद स्लैश लगाएंगे। तो ये क्या बना हमारा, प्रीफिक्स बन गया कि फाइल उठानी कहाँ से है, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी आ गई इसकी, और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी सुफिक्स की, और वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है, और डॉट जेएसपी फाइल का एक्सटेंशन है, तो डॉट जेएसपी दे देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रीफिक्स और सुफिक्स डिफाइन करोगे। वेब INF कैप्स में लेना, क्योंकि भाई वो कैप्स में ही है, और उसके बाद स्लैश करके व्यू एंड देन अगेन स्लैश। तो ये आपकी सुफिक्स की प्रॉपर्टी आ गई, सॉरी प्रीफिक्स की, और सुफिक्स में सिर्फ डॉट जेएसपी। तो ये मेरा व्यू रिजॉल्वर का काम है। अब समझ में आ गया व्यू रिजॉल्वर क्या कर रहा है, कंट्रोलर उसको क्या दे रहा है, सिर्फ नाम दे रहा है, नाम के आगे प्रीफिक्स सुफिक्स कौन लगाएगा, व्यू रिजॉल्वर, और फिर ये वापस कंट्रोलर को देगा, फिर कंट्रोलर उस पेज को देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस चल रहा है, सेव कर देते हैं इस फाइल को। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको व्यू कंपोनेंट्स तो आप पहले ही बना चुके हो, ठीक है, व्यू रिजॉल्वर भी बन गया, डिस्पैचर सर्वलेट आपके पास पहले से है, कंट्रोलर भी है। तो ये आपका एक छोटा सा एमवीसी का एग्जाम्पल बना है, जिसके अंदर हमने इन सारी चीजों को लिया है। अब इसमें स्प्रिंग सर्वलेट को, एक मिनट जरा कहते हैं, अच्छा एस लग गया था, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन गया, आप इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो स्प्रिंग एमवीसी डेमो में आते हैं और इसको हम रन एज ऑन सर्वर कर देते हैं। ये मेरा कराने का रीजन ये है कि आगे इसके बाद जो भी एग्जांपल्स करोगे, तो मैं आपको ना प्रैक्टिस दूंगी इसमें करने के लिए एमवीसी के थ्रू, क्योंकि एमवीसी की भी रिवीजन हो जाएगी फिर तुम्हारी अच्छी खासी। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे,
पहले तो यहाँ जाते हैं और तब इसको अप्लाई करके फिनिश कर देते हैं। तो इसको फर्स्ट पेज मिल गया। अब देखिए जैसे ही मैंने होम किया, होम पेज पे आ रहा है। अब इसको पता कैसे चला कि होम पेज है? पहले डिस्पैचर सर्वलेट ने इसको कहाँ भेजा? कंट्रोलर के पास। वहां से उसको स्लैश होम मिला, वहां से इसने क्या किया, होम की डेफिनेशन मिल गई, फिर सुफिक्स प्रीफिक्स लगा के पूरा पाथ भी दिया है, क्योंकि हमने तो पाथ दिया नहीं था, तो पाथ कहाँ से मिला इसको? व्यू रिजॉल्वर से। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा पाथ उसने अपने आप लगा दिया। मैं मेथड बनाया था हमने, अभी उसका बताती हूँ, देखो लॉगिन पेज पे जा रहे हैं, लॉगिन भी आ रहा है। तो मतलब हमारे को यहाँ पर करना क्या था, देखो अब इसका ना जरा साइकिल देखो हुआ क्या। पहले आप आए इंडेक्स डॉट जेएस पी, फिर जब आपने होम पे क्लिक किया तो ये आपको कहाँ लेके गया होगा? डिस्पैचर सर्वलेट के पास में, जो आपने वेब डॉट एक्सएमएल में दे रखा है। इस डिस्पैचर सर्वलेट ने किसे कॉल किया? कंट्रोलर को कॉल किया। कंट्रोलर के अंदर तो एक ही कंट्रोलर है अभी फिलहाल, तो इसके पास आया। तो जो स्लैश होम आया पीछे से, पैटर्न क्या आया? स्लैश होम। तो इसने स्लैश होम को मैच किया, यहाँ पर आके स्लैश होम मैच हो गया इस मेथड के साथ में। तो अगर इस मेथड के साथ में मैच हुआ तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये मेथड क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है होम। तो इसने होम रिटर्न किया, होम यहाँ से रिटर्न हो गया, और होम की वैल्यू जब रिटर्न होके कहाँ गई? डिस्पैचर के पास आ गई वापस। फिर किसके पास आ गई? फिर से डिस्पैचर के पास पहुंच गए। फिर इसने क्या किया, रिजॉल्वर को कॉल किया कि भाई नाम तो आ गया, प्रीफिक्स सुफिक्स बता दो। तो ये यहाँ जाएगा, इसका प्रीफिक्स भी देखेगा और सुफिक्स भी देखेगा, और इसको अटैच कर देगा होम के साथ में। ठीक है, और फिर जब व्यू रिजॉल्व हो जाएगा तो ये वापस इसको किसके पास भेजेगा? डिस्पैचर सर्वलेट के पास, और फिर ये क्लाइंट के पास आपका वैल्यू भेज देगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा था। अभी आप ये मत सोचो कि भाई कंट्रोलर का काम तो सिर्फ यही था रिटर्न कराने का, तो फायदा नहीं लग रहा है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब हम आगे के फंक्शंस कराएंगे, अभी तो हमने कुछ प्रोसेसिंग नहीं कराई, जब हम प्रोसेसिंग कराएंगे, बाकी काम कराएंगे, तो इसमें काफी काम आ जाता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ यही बता रही हूँ कि कॉल कैसे कराना है। ये व्यू रिजॉल्वर अपने आप ही कॉल हो रहा है, मतलब कहीं पे तो कॉल करा ही नहीं डिस्पैचर अपने सर्वलेट कर रहा है आप। ऑटोमेटिकली। रिजॉल्वर हाँ की वजह से हो रहा है सब कुछ। हाँ जी, रिजॉल्वर आपकी वैल्यूज को दे रहा है, डिस्पैचर सर्वलेट हैंडलिंग कर रहा है। हमें क्या बनाना है? एक बार इसकी डिफाइन कर दी वैल्यू, फिर तो हमें बस व्यू बना ले, और कंट्रोलर तो काम ही कहाँ रह गया? कंट्रोलर और व्यू का ही तो रह गया। ठीक है, व्यू पेज बनाते जाओ, कंट्रोलर बनाते जाओ, ऐड करते जाओ, काम आ जाएगा। तो बढ़िया है काम ये वाला। ठीक है, तो मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना काफी टास्क इन्वॉल्व मतलब यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके अच्छा देखो, इसके अंदर आपको मैं आज एक होमवर्क दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोग क्या करोगे, कल यहाँ पर आपको हाइबरनेट टेम्पलेट मैंने सिखाया है ना, हाइबरनेट टेम्पलेट की आप एक डाउ क्लास बनाओगे कॉम डॉट फाइल्स डॉट एंटिटीज के अंदर। क्या बनाना है यहाँ देख लो दोबारा से, क्योंकि मैंने अब आपको रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटी देनी है करने के लिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐड अ न्यू क्लास फाइल, ठीक है, इसका नाम होगा एम्प्लॉय, या फिर हम यहाँ पर दो नई क्लास फाइल्स डालेंगे, एक एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डाउ। एम्प्लॉय डाउ में आप यूज करोगे हाइबरनेट टेम्पलेट का, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके साथ आपको क्या क्रिएट करना है, क्रड ऑपरेशन। मतलब आपको सिर्फ ये करना है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये चार मेथड बनाने हैं, चार भी नहीं पांच मेथड बनाने हैं। एक तो मतलब व्यू में एक आ जाता है व्यू ऑल, और एक होता है व्यू बाय आईडी। तो आप लोगों को क्या करना है, पांच मेथड्स बनाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनाने हैं, फाइव मेथड्स को क्रिएट करना है, और आपको ये दो क्लासेस बना के लानी है। कल मैं आपको ये बताऊंगी इसमें जो हमारे कंट्रोलर है इसमें इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, वेब में बनानी है, ठीक इसी वाले प्रोजेक्ट में बनानी है। प्रोजेक्ट में शेयर कर रही हूँ, इसी प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप एक नया पैकेज बनाओगे कॉम डॉट फाइल्स डॉट एंटिटी।
मैं क्या कर रही हूँ, पैकेज बना के छोड़ रही हूँ, ठीक है। और इस पैकेज के अंदर आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डाउ दोनों बनाओगे। आपके पास टेबल बना होना चाहिए डेटाबेस में, एम्प्लॉय का जो जो फील्ड्स ले रहे हो वो वहां पर होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे क्रड ऑपरेशंस के लिए 5 मेथड्स बनाओगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट और व्यू ऑल, ठीक है। रीड वाले में रीड बाय आईडी। तो अगर हमारे पास ये 5 मेथड्स हैं और उन 5ों मेथड्स को मुझे कंट्रोलर में भी लेके आना है, तो ये कैसे करेंगे वो मैं इसमें बताऊं। इसके साथ साथ आप लोग एक काम और भी करेंगे, थोड़ा काम दे रही हूं, आप लोग चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने अभी होम और लॉगिन बनाया, तो लॉगिन के अंदर फिर लॉगिन पेज के काम भी होने चाहिए थे, लॉगिन भी होना चाहिए था, ठीक है। तो वो वाली चीज भी करवानी है। और इसके अलावा मतलब लॉगिन पेज का जो मेथड बनता था ना हमारा, वो यूज कर सकते हो, या फिर चलो अभी आप लॉगिन ना भी बनाओ, छोड़ सकते हो अभी तो फिलहाल, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको एक दो चीजें एक्स्ट्रा बतानी। आप लोग क्या करेंगे, शो ऑल रिकॉर्ड्स। अगर मैं ये वाले का एक हाइपरलिंक क्रिएट कर देती हूँ, इस तरह से, तो मैंने यूआरएल पैटर्न बना दिया है शो ऑल रिकॉर्ड्स का। सेम वे में मैं यहां पर, ठीक है, क्या कर देती हूँ, यहां पर हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर, रजिस्टर नाम से एक यूआरएल पैटर्न बना देते हैं। रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय के लिए। और इसके बाद यहां पर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, आपको मैंने जो क्रेड एप्लीकेशन एमवीसी का बनवाया था, किसमें, एडवांस जावा में, उसमें हमारे ये सारे पेजेस बने हुए थे व्यू वाले, वो पेजेस उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हैं फाइल को। इसमें मैं इसमें, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा कि इतने पेजेस बनाओ, ठीक है। तो अपडेट रिकॉर्ड, तो अपडेट रिकॉर्ड में क्या होगा, वही साइकिल, पहले अपडेट रिकॉर्ड के पेज पे जाएंगे, वहां पे आईडी लेंगे, और आईडी लेने के बाद क्या करना है, उसको फेच करा के अपडेट करना है। इस फंक्शन को चाहे आप वैसे मत बनाना, क्योंकि अपडेट बाय आईडी किया था हम लोगों ने, और यहाँ पे जो अपडेट है वो पूरा एंटिटी ले रहा था। तो आप ये कर सकते हो कि अपडेट से पहले उसको व्यू कर लोगे जब, तो आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट तो वही जाएगा, उसमें वैल्यू चेंज करा के ऑब्जेक्ट दे सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट रिकॉर्ड वाला जो ऑप्शन था वो आप लोग यहाँ पे बना लो। ऐसे ही यहां पर डिलीट रिकॉर्ड, मैं सबके पैटर्न बना के छोड़ रही हूं यहां पर। आपको इसके लिए क्या बनाने हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हो, जैसे अभी हमने किया था ना होम के लिए, लॉगिन के लिए कंट्रोलर बनाया था, ऐसे आप इन सबके कंट्रोलर बना सकते हैं। तो डिलीट रिकॉर्ड, तो आपको ये करके देना है मुझे कल, इस वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे शो ऑल भी है, रजिस्टर भी है, अपडेट रिकॉर्ड भी है, डिलीट रिकॉर्ड भी है, और एक चीज और ऐड कर देते हैं, व्यू बाय आईडी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगी, व्यू बाय आईडी में चाहे आप ये वाला लास्ट वाला छोड़ देना, इसको मैं अभी कमेंट्स में डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को एक नई चीज दिखानी है आपको। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ये चार के चार यूआरएल पैटर्न आप कंट्रोलर में बनाओगे, आज आपका काम ये है, क्योंकि कंट्रोलर बनाओगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चारों के कंट्रोलर बनाने हैं, और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि किसी और कंट्रोलर की भी जरूरत है तो वो भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोलर क्लासेस बनाई है, प्रो मेथड बनाया है, वैसे आपको कंट्रोलर्स बनाने हैं, और इनके व्यू पेजेस को चाहे तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने किसी भी पुराने प्रोजेक्ट से। मेन आपको डाउ क्लास और एम्प्लॉय क्लास बनानी है, और उसके अंदर फंक्शंस बना के छोड़ने हैं। और लेकिन फंक्शंस में क्या यूज करना है, हाइबरनेट टेम्पलेट यूज करना है, तो उसकी रिविजन भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो कल तक आप लोगों को इतना काम करके लाना है, फिर उसके बाद आगे मैं जो कल की क्लास होगी उसमें आगे का बताऊंगी कैसे यूज करना है। थैंक यू, ठीक है। इसके साथ साथ ना, क्योंकि कल मेरे कल की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मैं कल एमवीसी तो बताऊंगी, लेकिन एमवीसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार स्प्रिंग बूट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ,
क्योंकि अगर आप एमवीसी में इतना भी सीख गए हो ना, तो आप इसके बाद स्प्रिंग बूट का एक एग्जांपल भी देख सकते हो ताकि प्रॉब्लम ना आए, या फिर स्प्रिंग बूट बाद में कराऊं कंफ्यूजन हो जाएगा तो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है चलो देख, कल की क्लास में देखते हैं पहले कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का आज जो काम है वो ये है कि आपको कंट्रोलर्स बनाने हैं, एम्प्लॉय डाओ बनानी है ताकि आप इसको यूज कर सको। मेन तो पहले कंट्रोलर्स बनाओ, ठीक है, और उसके बाद आगे का यूज करो। अच्छा एक और चीज भी है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे इस वाले पेज में कंट्रोलर नहीं बनाना, मुझे अलग से कंट्रोलर क्लास बनानी है, तो आप ये भी कर सकते हो, कॉम.डॉट फाइल्स में एक और कंट्रोलर क्लास बना दो। जैसे कि मान लो मैं क्रड ऑपरेशंस कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्लास और बना देती हूँ, क्या नाम दे देते हैं, क्रड कंट्रोलर। अगर मैंने इसके ऊपर भी @ कंट्रोलर लिख दिया तो ये भी कंट्रोलर बन गया। आप इसमें भी रिक्वेस्ट मैपिंग लगा के मेथड्स बना सकते हो। तो अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या, रिक्वेस्ट डिस्पैचर बोल देती हूँ, डिस्पैचर सर्वलेट क्या बोले करेगा, अब वो दोनों कंट्रोलर्स को फेच करेगा, बस इतना फर्क आएगा और कुछ नहीं। ठीक है तो इसे आप लोग कल तक कंप्लीट करके लाएंगे ताकि हम इसमें फिर आगे का भी देख सके क्या काम कर रहा है। ओके हो जाएगा सबका कल तक, ठीक है। तो ये वाला जो टास्क दे रही हूँ इसको कंप्लीट कर लेना, ये वाला प्रोजेक्ट मैं अभी के भी आपको शेयर कर रही हूँ, सो दैट आपको टाइम मिल जाएगा फिर इसको बनाने का। नहीं शेयर अ नंबर भेजो अपना मेरे को, मैसेज करो, रेगुलर रहोगे, छुट्टी तो बहुत मारते हो तुम, पहले तो भी तो सैटरडे संडे था, कहाँ रहते थे। सैटरडे चलिए बाय फॉर टुडे एवरीवन, आपको मैं नोट्स शेयर कर देती हूँ।